नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरे इस छोटी सी ऑर्गेनिक ग्रीन गार्डन चैनल पर, जिसे आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है गुलदावदी, यानी इंग्लिश में जिसे हम क्रिसैंथेमम्स बोलते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि क्रिसैंथेमम्स को पिछले साल से जो अपने घरों में जो ले कर आया था, उसे हम किसे कैसे इसे फिर से ग्रो कर सकते हैं और कैसे इसे हम फिर से फ्लावर पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर जिसके घर में गुलदावदी पिछले साल जो नर्सरी से ख़रीद के जो मेरे मित्रों लाए होंगे, उसे आप फिर से उसे कटिंग करके और फिर से आप गमले में ट्रांसप्लांट करके फिर से आप उसे फूल पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं कि गुलदावदी की आप पिछले साल के एयर में जो आप नर्सरी से जो ख़रीद के आप लाए थे, आप उसे किस कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं और कैसे फिर गमले में से फिर से पूरी गमले भर फूलों से भर जाएगी। आप कैसे उसे फिर से आप इसे गमले में कैसे लगाएं ताकि आपके पूरे गमले में पूरे गुलदावदी फूलों से भर जाए। देख सकते हैं मित्रों, कितनी एवरग्रीन और कितनी शानदार बुशी हो गई है, शानदार अंदाज में ये बुशी हो गई है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। लेकिन आज का तारीख हो गया 14 अगस्त, यानी कि आप इसे इतनी तेज़ी से अगर आपकी क्रिसैंथेमम्स बढ़ गई है तो फ्रेंड्स, इसे आपको फिर से कटिंग करनी होगी। क्योंकि अगर आप इसे इस तरह से छोड़ देते हैं, इस तरह से जब ये सर्वाइव अभी कर चुकी, इतनी बढ़त ले चुकी है, तो आपको ये नवंबर और दिसंबर में जब फ्लावर देंगे तो अच्छी तरह से आपकी प्लांट पर फूल और अच्छे प्लांट नहीं बन पाएंगे, जिसके कारण आपका फ्लावर खिल के नहीं आएंगे, बड़े बड़े साइज में नहीं आएंगे। तो मित्रों, आप इस वीडियो में जान सकते हैं कि आपकी गुलदावदी की फ्लावर जो होती है कैसे आपको खिल कर आएगी और बड़े बड़े साइजों में आएगी। तो फ्रेंड्स, अभी आपको इसको रिपोर्टिंग करने की समय है। आप अगस्त के अंत तक आप गुलदावदी अगर रखे हैं तो आप उसे रिपोर्ट कर लें, ताकि आपकी नई सूट्स निकलेगी, इस ब्रांच से नई सूट्स निकलेगी और नया तना भी इस पर बनेगा, तब जाके आपकी प्लांट्स पूरी तरह से बूसी होगी और फ्लावर भी जो आएगी वो बड़े बड़े साइज में आएगी। तो फ्रेंड्स, आपको करना ये होगा कि ये गुलदावदी का पौधा जो जिसे हम इसे मदर प्लांट बोलते हैं, आप इसे कटिंग करके आपको लगाना नहीं है बस। तो फ्रेंड्स, आपको ये करना है कि आप यहाँ से पूरे ये जितनी भी शाखाएँ यहाँ पर निकली, इस तरह से हमको यहाँ से कट लगा देनी है, इस तरह से पूरे ये कट लगा देनी है, जिसके बाद हमें इसे निकाल के इसके रूट बॉल निकाल के इसे रिपोर्ट कर देनी है। जितने भी बड़ी रूट है उसे रूट को काट लेनी है और फिर से रिपोर्टिंग कर लेना है। रिपोर्टिंग मतलब आपको ये मिट्टी जो है उसके रूट बॉल बढ़ जाती है उसको आपको कट कर देना है और कुछ मिट्टी को चेंज कर देना है, उसके बाद आपको डाइट शिफ्ट कर देना है। यानी कि फ्रेंड्स, आज मैं जो सुबह रिपोर्ट किया हूँ, आज मैं आपको दिखा देने एग्जांपल के तौर पे आपको दिखा देता हूँ कि आप किस तरह से इसे रिपोर्ट कर सकते हैं। यानी कि देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसको मैं किस तरह से देख रहे हैं मित्रों, इस तरह से ये इतनी बड़ी रूट बॉल थी, आप देख रहे हैं ये पूरी रूट, इस तरह से रूट इतनी बड़ी रूट हो जाती तो आपको इस तरह से रूट को काट देना है और इस तरह से छोटी सी एरिया को आपको ले लेना है और मिट्टी पे आपको इस तरह से नीचे पे आपको मिट्टी डाल करके और चारों तरफ से इसको इस तरह से मिट्टी को डाल देना है और पूरी मिट्टी को फिलअप कर देना है। उसके बाद आप ये कि रिपोर्ट तैयार हो गया है, आप इस पर आप पानी डाल दें, उसके बाद छोड़ दें। जब इससे जिससे कि क्या होगा कि आप जितने भी ये पुराने स्टैंप काट दिए, अब यहाँ से नई स्टैंप निकलेगी, नई सूट्स निकलेगी, जिससे वो नया प्लांट्स तैयार होगा। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि इस तरह से आप देख रहे हैं, इस तरह से स्टैंप यहाँ से पूरी गमले में निकलेगी और भर जाएगी, आपको बूसी हो जाएगी, जिससे आपकी फ्लावर सैकड़ों से ज़्यादा आएगी, आपकी एक गमले में पूरी फूल भर जाएगा फ्रेंड्स। तो ये मदर प्लांट को आपको कबाड़ के फेंकने नहीं है, इस तरह से आपको रिपोर्ट कर लेना है। आप देख सकते हैं कि इस तरह से आपको निकाल करके इसकी जब रूट निकलेगी,
इतनी बड़ी रूट निकलेगी, इसको आपको कैंची से रूट को काट देना है और कुछ मिट्टी को निकाल करके फिर सिर्फ कुछ नई मिट्टी और नई खाद मिला करके आपको रिपोर्ट कर देना है, जिससे आपकी नवंबर और दिसंबर की जो फ्लावर आएगी वो बहुत घनी होगी और बुशी अंदाज में आपकी फूल निखर के आएंगे फ्रेंड्स। तो मैं अभी बहुत जल्दी इसको पूरे रिपोर्ट करने वाले, रिपोर्ट मतलब इसको कटाई पूरा कर दूंगा और इसे फिर से रिपोर्ट कर दूंगा ताकि मेरी गमले में नए शूट्स निकले, नए प्लांट्स तैयार हो जाएं और काफ़ी संख्या में फूल हमारे गमले में आएंगे। तो इसी तरह आप कर सकते हैं मित्रों। और आप एक और फ्लावर है जिसे हम डहेलिया के नाम पे जानते हैं, डहेलिया की भी अगर आपको उसकी कटिंग और उसकी प्लांट अगर आप तैयार करना चाहते हैं तो जो आपके पास पिछले साल की जो डहेलिया की प्लांट है आप उसे सेव करके अगर आप रखे होंगे तो इस तरह से, तो इसे भी आप इसे इस जगह से स्टैम्प को इस तरह से काट दें, यहाँ से काट दें, ये पूरी काट देना है जिससे कि आप इस नोड एरिया से आप इसे कट कर देंगे तो इस जगह से नई शूट्स निकलेंगी और जब नई शूट्स निकलेगी तो इस तरह से नई शूट्स निकलना चालू हो जाएगी। आप देख सकते हैं मित्रों इस तरह से ये जो नई शूट है, ये शूट आप देख रहे हैं, इस तरह का शूट यहाँ से नए नए ब्रांच निकलेंगे, इस तरह से नई नई ब्रांचेस निकलेंगे, वो ब्रांच अगर हम कटिंग गमले में लगाएंगे तब जाके डहेलिया का फूल हमारे बड़े बड़े साइज में और बड़े साइज में इंक्रीज होके आएंगे। तो फ्रेंड्स इसको डहेलिया का अगर आपको नई कटिंग लगाना है तो अभी से आपको ये कटिंग कर देनी है। अभी 14 दिसंबर चल रहा है फ्रेंड्स, अभी से इसे कटिंग कर दे तो ये 15 दिन के अंदर में ये नई शूट्स निकलेगी और जिससे नई शूट्स आप इस तरह से नई शूट इस तरह से आपकी ब्रांचेस नए ब्रांचेस यहाँ से निकलेंगे, इस तरह से नए ब्रांच निकलेंगे और इस तरह के ब्रांच आप जब नई शूट से निकलेगी तब ये ब्रांच हमको शूट लेकर के हमें इस तरह बालू की मिट्टी में, आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से इसकी प्लांट्स को एक छोटी से डिस्पोजल गिलास में तैयार कर दिया हूँ, इस तरह से हम डहेलिया की प्लांट्स को कटिंग करके यहाँ इजली आपको 1 से 2 इंच के अंदर आपको बालू के अंदर गाड़ देनी है और इसे 10 से 15 दिन छोड़ देनी है जिससे आपकी ये यहाँ से नई रूट डेवलप हो जाएगी। उसके बाद आप इसे यहाँ से निकाल करके और किसी गमले में आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। इस तरह से आप नई गमला में जब ट्रांसप्लांट कर देंगे तब जाके आपकी जो नई प्लांट्स तैयार होगी तो उस पर आपकी नई फूल आएंगे, बड़ा फूल आएंगे। और आप अगर इससे और अगर आप इसके बल्ब से ग्रो करना चाहते हैं तो बल्ब से ग्रो करना बहुत मुश्किल होता है मित्रों। देख सकते हैं कि इसकी बल्ब मैंने रखी है लेकिन मैं बल्ब से ग्रो नहीं करता क्योंकि बहुत मुश्किल से ये बहुत समय ले लेती है ग्रो करने में। मैं बस इसे यहाँ से कट कर दूँगा। अभी आज 14 दिसंबर है, ये दिसंबर के अंत में नई ब्रांच इससे निकल जाएगी और ये मैं नए ब्रांच ले करके किसी बालू सैंड में इस तरह से हम गाड़ देंगे जिससे 10 से 12 दिन में ये अपनी रूट को डेवलप कर लेगी, रूट डेवलप हो जाएगी तब जाके हम प्लांट्स को किसी पोट में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, तब जाके हमारी डहेलिया प्लांट्स फूल बहुत अच्छे से खिल पाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास पिछले साल की अगर डहेलिया बची है तो आप कट कर लें जिससे कि आपकी नई ब्रांच मिल सके। तो मित्रों यही सब मैं सोचा कि अपने फ्रेंड्स को फिर से बता देता हूँ कि जिसके पास पिछले साल की गुलदावदी बची हो उसे आप इसे रिपोर्ट कर लें क्योंकि नवंबर दिसंबर में जब इसे फूल आएगी तो बहुत खिलकर आएगी और बहुत घनी होकर के आएगी। तो फ्रेंड्स आप अपनी गुलदावदी की रिपोर्ट कर लें। उम्मीद करता हूँ कि कुछ आपको अच्छी जानकारी मिली होगी, बढ़िया जानकारी मिली होगी और आप उसे लाभान्वित हो सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए मेरी वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हो सके तो दोस्तों के साथ भी आप शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड्स अगर मेरे चैनल पे आप नए आए हो तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकॉन को आप प्रेस कर लीजिएगा, बेल आइकॉन का जो ऑप्शन आपका वॉल पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मेरी हर अपडेट वीडियो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा सबसे पहले आपके मोबाइल पे पहुंच जाएगी। फ्रेंड्स चलिए तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, मिलेंगे मित्रों, बाय बाय।